से, इस दुनिया की बात से नहीं। अगर तुम सियासी लिहाज से देख रहे हो कि मैं इसराइल का बादशाह हूं, मैं यरूशलेम में अपना दारुल हुकूमत कायम करूंगा, तो यह तुम्हारी सोच गलत है। तुम सोच रहे हो जिस्मानी तौर पर, तुम चाहते हो रहाई इन लोगों से, लेकिन मैं तुम्हें रहाई देने आया हूं उससे जिसके तुम गुलाम कई सालों से थे, यानी गुनाह की गुलामी से। मसीहा आया गुनाह की गुलामी से हमें छुड़ाने के लिए। वो आज अगर हमारा बादशाह है, या आज हमें, आज हम जलूस मसीह लोग जलूस निकालते हैं और यीशु मसीह को अपना बादशाह तस्लीम करते हैं, होशाना के नारे लगाते हैं और बढ़ चढ़कर खूबसूरती के साथ, जिस तरह आज हमने खजूरों का इतवार मनाया। बेशक हम पाकिस्तान में रहते हैं, जो लोग हिंदुस्तान में रहते हैं, जो लोग चाइना में रहते हैं, जो लोग अमेरिका में रहते हैं, जो लोग यूरोप में रहते हैं, जो लोग अफ्रीका में रहते हैं, वो सारे लोग ही आज गा रहे हैं होशाना, गा रहे हैं ना, वो भी ये आयत पढ़ रहे हैं, दाऊद के बेटे को होशाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है, आल में बाला पर होशन। हम सब गा रहे हैं, अमेरिकन लोग आ रहे हैं, यूरोपियन लोग आ रहे हैं, एशिया के लोग आ रहे हैं, अफ्रीका के लोग आ रहे हैं, तो ये किस गुलामी में है जो ये कह रहे हैं ऐ खुदावंद आ और हमें बचा। ये किससे बचना चाहते हैं? क्या ये कोई अपनी रियासत से बगावत करना चाहती है, या अपनी रियासत से तंग है? क्यों ये गा रहे हैं? इसलिए गा रहे हैं कि मसीह यीशु ने एक विजन दिया है हमें। हम वो यहूदी नहीं है जो अपने वतन के लिए उसे कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि इस बदन के अंदर रूह है और रूह वो कैद हुई हुई है गुनाह की वजह से। हम आजादी चाहते हैं अपने गुनाहों से। समझ आ गई बात? हम यीशु को अपना बादशाह बदन से ज्यादा अपनी रूह का बनाना चाहते हैं, इसलिए आज हम ये सारे गा रहे हैं, चाहे जिस मुल्क में मर्जी हो, जिस रियासत में मर्जी हो, हम मसीही गाते हैं कि हमारा खुदावंद हमें आजादी दे हमारे गुनाहों से, क्योंकि ये सबसे बड़ा दुश्मन है। लोग दूसरों को दुश्मन समझते हैं, जिस तरह पाकिस्तान इंडिया को समझता है, इंडिया पाकिस्तान को समझता है, इस तरह दूसरी रियासतें एक दूसरे के साथ दुश्मनी करते हैं। ये आने जाने वाली चीजें हैं। कितने बादशाह मर गए हैं? सिकंदर आजम ने कितने मुल्क फतह किए थे, कितनी दुश्मनियां ली थी, कितने कत्ल किए थे, कितनी जानों को वो खा गया था, कितने बच्चों को मार दिया, कितनी औरतों को मार गया, या कईयों को बेवा कर गया, बेबस कर गया, कई रियासतों को, कई शहरों को वो बर्बाद कर गए। इसी तरह बहुत सारे बादशाह आए, सब ने ये किया, लेकिन सब जाते रहे। किसी ने आजादी आपको उस रियासत, अगर आजादी उस वक्त ही साथ ही गुलामी आ गई, फिर आजादी दी फिर गुलामी आ गई, फिर आजादी दी फिर गुलामी आ गई, किसी ने आपको आजाद तो नहीं किया। ये जिस्मानी या सियासी बातें थी, लेकिन मसीह यीशु सियासी बातों नहीं करना चाहता। मसीह यीशु आजादी देना चाहता है खुदा की बादशाही जमीन पर कायम करने। ऐ हमारे बाप की, जब हम दुआए रबानी पढ़ते हैं तो उसमें क्या अर्ज करते हैं हम लोग? आगे, तेरी बादशाही आए। किधर? जमीन पर तेरी बादशाही आए, आसमान पर तो तेरी बादशाही है। आज तक किसी ने सुना है कि आसमान की बादशाही को किसी ने शिकस्त दी हो, कंकर किया हो? आसमान की बादशाही को कोई शिकस्त नहीं दे सकता,
आसमान के बादशाह को कोई शिकस्त नहीं दे सकता। जमीन के बादशाह कितने मर्जी ताकतवर हो, किसी ना किसी के हाथों शिकस्त खाते हैं, किसी ना किसी के हाथों शिकस्त खाते हैं, लेकिन आसमान की बादशाह में ऐसा नहीं है। और मसीह यीशु हमें यह सिखा रहा है कि हम बादशाही चाहते हैं इस जमीन पर भी, जैसी तेरी बादशाही आसमान पर है वैसी बादशाही हम जमीन पर चाहते हैं। और यीशु मसीह अपने शागिर्दों को, अपने पैरोकारों को, आज मुझे और आपको यह सिखा रहा कि किस बादशाही के लिए तड़पो। अगर तुम मुझे बादशाह बनाना चाहते हो तो जो दुआ मैंने तुम्हें सिखाई कि आसमान की बादशाही जिस तरह है उसी तरह जमीन की बादशाही भी कायम। और जमीन पर बादशाही कायम होती है प्यार से और उसके हुक्मों को मानने से। यीशु मसीह यहां पर सादा सी मिसाल किस पर सवार हुआ है, गधा या गधे के बच्चे पर। अगर वो सवार होता किसी घोड़े पर, अलामते समझे जरा, अलामते, अगर किसी घोड़े पर सवार होता, किसी रथ पर सवार होता, तो ये एक सियासी बादशाह होता। लेकिन वो किस पर सवार हुआ, और गधे के बच्चे पर सवार होने का मतलब है कलाम के मुताबिक सुलह का बादशाह, सलामती का बादशाह, मोहब्बत का बादशाह। तो वो तो आपको सादा सीधा सीधा सिखा रहा है, अगर वो ऐसे होते लोग तो समझ जाते। लेकिन यही लोग हैं जब उन्हें समझ आई कि ये हमारा बादशाह नहीं है, लेकर वो उसे गए थे किधर, यरूशलेम तक गए उसके साथ, नारा लगाते हुए जा रहे हैं, दाऊद के बेटे को होशाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है, आल में बाला पर होशाना गा ये रहे हैं। लेकिन जब उनकी उम्मीद पूरी ना रही, उम्मीद पूरी ना हुई, तो उन्होंने नारा ही बदल दिया। क्या नारा लगाया था फिर बाद में, इसे सलीब दो, इसे सलीब दो, क्योंकि उनकी आस पूरी नहीं हो रही थी, उनकी उम्मीद नहीं पूरी हो रही थी। उन्होंने कहा हमने तो सोचा था ये हमें गुलामी से आजादी दिलाएगा, इन बादशाहों से, इन हाकमों से, रूमियों से निजात दिलाएगा, ये हमारे काम का आदमी नहीं है, इसलिए उन्होंने ये कहा। लेकिन मसीह यीशु थोड़ा सा आगे बढ़े ना, हैकल की तरफ थोड़ा सा आगे बढ़े, तो बादशाह होने के बाद लास्ट, पहले यीशु हैकल में जाता रहा है, 30 साल उसने मां बाप की खिदमत की, उसके बाद 3 साल मनादी की, तो उस दौरान वो हैकल में जाता रहा, तालीम देता रहा, लोगों से मिलता रहा, फरीसियों से मिलता रहा, फकीरों से मिलता रहा, आल में शरा से मिलता रहा, उनके साथ भी सवाल जवाब करता था और लोग देख रहे थे। लेकिन आखिरी एंट्री जो है, ये आखिरी एंट्री है यीशु मसीह की यरूशलम में, और जब जाता है तो हैकल की तरफ भी उसकी नजर पड़ती है, हैकल की तरफ भी उसकी नजर पड़ती है, और हैकल के अंदर चला जाता है। पहले यीशु तालीम देने के लिए जाता था, पहले यीशु तालीम देने के लिए हैकल में जाता था, आज यीशु तालीम देने के लिए हैकल में नहीं गया। उसने खोटला बनाया, जितने कबूतर फरोश थे, जितने सोने का कारोबार कर रहे थे, जितने भी लोग वहां कारोबारी बैठे हुए थे, सबके छाबड़े उसने कहा तुमने मेरे बाप के घर को व्यापार का घर बनाया है। ये किन को कह रहा है, तुमने मेरे बाप के घर को व्यापार का घर बनाया, क्योंकि हैकल के अंदर, हैकल के बाहर नहीं, हैकल के अंदर ये कारोबार हो रहे थे। कैसा कारोबार हो रहा था, जिस तरह कारोबार आप करें
लेकिन उसके बाद आपने कुछ पैसे देने होते हैं। जिस राम कई बार कहता है ये डीसी को जा रहा है, ये फलाने का हिस्सा है, ये फलाने का हिस्सा है, कहते हैं ना। इसी तरह हैकल के अंदर जो बैठे हुए थे ना कारोबारी लोग, वो जरूर कारोबार करते थे, लेकिन उनका हिस्सा जो है ना, हिस्सा वो बड़ों के पास जाता। बड़े कौन थे? हैकल के काहिन, हैकल के काहिनों के पास जाता था। और जब यसु ने हैकल पर अटैक किया तो असल में उसने उन पर अटैक किया, असल में उन पर अटैक किया कि तुम यहां बैठे हो और तुम क्या कर रहे हो। मेरा घर मेरे बाप का घर व्यापार का घर नहीं है, यह कोई मंडी नहीं है कि आप इधर आकर पैसे कमाएं, कुछ खुद ले जाएं और कुछ काहिनों को दे दें। यह मंडी का नहीं है घर। मेरे बाप का घर दुआ का घर है। जिस तरह उसने हैकल का बादशाही का कॉन्सेप्ट बदला, बादशाही का कॉन्सेप्ट बदला, सियासी कॉन्सेप्ट बदला कि मैं सियासत करने नहीं आया, इसी तरह उसने हैकल का भी कॉन्सेप्ट बदला कि ये दुआ के लिए आने के लोग आए, दुआ के लिए लोग आए, कारोबार के लिए लोग इधर ना आए। ये कारोबार के लिए जगह नहीं है। यहां लोग आते हैं अपने रब को, अपने खुदा को मिलने के लिए आते हैं, अपनी अर्जें और मिन्नतें उसके सामने रखने के लिए आते हैं, अपने हदी और नजराने उसकी नजर करते हैं, अपनी दुआएं उसके नजर करते हैं, अपने दुख उसके सामने उंडेलते हैं। तो ये घर तो मेरे बाप ने बनाया है दुआ के लिए, इसलिए ये घर मेरे बाप का घर जो है दुआ का घर है, कारोबार का घर नहीं है। तो ये चीज एक लीड बनी यसु के मसलूब होने की, यसु की मौत की तरफ एक कदम बन गया। और यहूदियों ने कहा बस बस, इससे आगे हम नहीं जा सकते, इसने हमारे कारोबार को खराब कर दिया, हमारे कारोबार को खराब कर दिया। जब आप किसी का कारोबार खराब कर देंगे तो आपको अच्छा समझेगा, आपका छाबड़ा उठा दिया जाए, हाँ मुझे दुआ देंगे, कभी दुआ नहीं देंगे, बुरा करेंगे मेरे साथ और मौका ढूंढेंगे जाते हुए कहीं इसको कत्ल कर दो, अगवा कर लो, मार दो, कुएं में फेंक दो, कुछ भी कर दो इसके साथ, क्योंकि ये हमारा कारोबार खराब कर रहा है, हमारा बिजनेस खराब कर रहा है। तो यसु के साथ भी ये हुआ, उन्होंने कहा ये तो हमारा कारोबार खराब कर रहा है, लिहाजा उन्होंने एक प्लान बनाया और उस प्लान के तहत उन्होंने दरखास्त जो जमा करवाई यसु पर बहुत सारे इल्जाम लगाकर, ऐसे ऐसे इल्जाम लगाए जो मौत तक की पहुंचा सकते थे, उसे रहाई नहीं दिला सकते थे, ऐसे ऐसे इल्जाम लगाए और उसकी वजह से यसु मसलूब, यसु मरा। और मरते वक्त भी उसने एक ऊपर लिखा हुआ था कतबा, क्या लिखा था, यहूदियों का बादशाह। लेकिन यहूदियों ने कहा ये ना लिख यहूदियों का बादशाह, बल्कि ये लिख, इसलिए कहा कि मैं यहूदियों का बादशाह हूं, हम इसे बादशाह तस्लीम नहीं करते, ये अपनी जबान से कहता मैं यहूदियों का बादशाह हूं। लेकिन उसने कहा मैंने जो लिख दिया सो लिख दिया, अब तुम नहीं कर इसको, मैं नहीं काट सकता, लिहाजा आज हम उस बादशाह के लिए आए हैं, उस बादशाह आज हम होशना उसके लिए कर रहे हैं कि यीशु हमें किस किस चीज से चिढ़ाना चाहता है, यीशु हमारी दिलों पर राज करना चाहता है, हमारी रूहों पर राज करना चाहता है, हमारे बदनों पर राज करना चाहता है। इसीलिए कलाम मुकद्दस में लिखा है, गौर से सुनो, गौर से सुनो, कलाम मुकद्दस में लिखा है तुम्हारे बदन खुदा की पाक हैकल है, उस हैकल को भूल जाओ जो यरूशलम में है, मसीहों तुम्हारे तुम्हारे खुदा की हैकल तुम्हारे पाक बदन है, तुम्हारे बदन है, और हैकल को क्या करो, पाक साफ रखो। क्यों पाक साफ रखो, आगे एक बड़ी बात सुन लो,
जिस तरह खबरदार लिखा होता है ना, कई जगहों पे लिखा होता है खबरदार, ये तारों बड़ी तारे जो जा रही हैं अगर उनके ऊपर पड़ो तो लिखा होता है खबरदार, अगर इनको छुआ तो आप गए। इसी तरह यीशु मसीह ने भी खबरदार किया हुआ है। कैसे खबरदार किया? जो इस बदन को बर्बाद करेगा, हैकल को बर्बाद करेगा, मैं उसे बर्बाद कर दूंगा। जो इसे बर्बाद करेगा मैं उसे बर्बाद कर दूंगा। कैसे? हम बदन की तरफ थोड़ी देर आते हैं, रूह की तरफ नहीं आ रहा मैं अभी, बदन की तरफ हूं। आपके बदन से अच्छाई आनी चाहिए। इसीलिए यीशु ने कहा था, अगर तेरी आंख गुना करे तो उसे निकाल दे। क्यों? तेरा एक आंख से यानी तेरा काना होना जरूरी है, बनिस्बत इसके तू जहन्नम में चला जाए। अगर तेरा हाथ बुराई की तरफ बढ़ता है उसको काट दे, ये ना हो कि तेरा सारा जिस्म जो है वो उधर चला जाए, वो उधर चला जाए। तो हमारा खुदावंद ये सिखाता है हमें, ये है आसमान की बादशाही, ये है खुदा की बादशाही, ये है यीशु की बादशाही। इसीलिए यीशु को हम आज पुकार रहे हैं कि यीशु हमारा बादशाह। और बादशाह होने का मतलब यह है कि हम उसकी रियाया बने और ताबेदार रियाया बने, ताबेदार लोग बने। और आज वही नारा, आज वही नारा यीशु के लिए हम भी गाएं। और हम नहीं चाहते किसी बदनी रियासत को, हम नहीं चाहते किसी सियासी रियासत को, हम चाहते हैं मसीह की रियासत हमारे दिलों पर कायम हो जाए, जिसका नाम है आसमान की बादशाह। खुदा मुझे और आप सबको इस रियासत में दाखिल होने की ताकत दे। खुदा तुम्हें और मुझे ताकत बख्शे कि हम नए यरूशलेम में जाएं और नई हैकल में जाकर इबादत करें। यह है मसीह यीशु का विजन, जो आज के दिन खजूरों के इतवार हम मसीहों को सबक सिखाता है। यहूदियों के लिए कुछ और है, मसीहों के लिए यह सबक है कि हम अपनी हैकल जो है, जो आसमान पर है, उसके लिए बात करें, उसके लिए तैयार करें। हम आसमान की बादशाही को जमीन पर लाएं। खुदा मुझे और आप सबको बरकत दे कि हम खुदा की बादशाही में रहने के लिए, उसमें बसने के लिए, उसमें जिंदगी गुजारने के लिए उसके कानून के मुताबिक रहें, तो हम आजादी की जिंदगी गुजारें और खुशी की जिंदगी गुजारेंगे और सलामती की जिंदगी गुजारेंगे, इंसाफ की जिंदगी गुजारेंगे। कोई हमें तंग नहीं करेगा, हम आजाद होंगे क्योंकि हमारा बादशाह हमें आजादी दिलाने आया है। बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से।